सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नवी मुंबई एरोली सेक्टर 5 स्थित संत सावत भवन हॉल में रविवार को कुशवाहा मौर्य माली सैनी प्रगतिशील फाउंडेशन द्वारा चक्रवर्ती अशोक सम्राट की 2318वीं जयंती मनाई गई एवं पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री दुर्गा दत्त, प्रोफेसर एम एन नवले, डॉक्टर एल एन सिंह, डॉक्टर डी के माली, संस्था अध्यक्ष प्रशांत कुमार सिन्हा, संस्था सचिव सचिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजीव व सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये संस्था 3 साल पुरानी है। खास करके इस संस्था के द्वारा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। गौरतलब हो कि इस कार्यक्रम का मकसद लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है, समाज को मुख्य धारा में लाकर जोड़ना, ताकि लोग सम्राट अशोक के बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन सफल बनाएं। साथ ही संस्था के अध्यक्ष प्रशांत सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्था गरीब बच्चों के पढ़ाई, कैंसर पीड़ित मरीज, ब्लड डोनेशन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। वहीं इस संगठन के सचिव श्री सचिदानंद सिन्हा ने सम्राट अशोक के बताए हुए रास्ते पर समाज को चलने की बात कही और शिक्षा के क्षेत्र में समाज को अधिक जोर देने की प्रेरणा दी। वहीं कुशवाहा मौर्य माली सैनी प्रगतिशील फाउंडेशन की तरफ से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं के लिए समाज के लोगों के लिए कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था भी की गई है। तीन साल पुरानी संस्था है और दिन ब दिन हर साल ये प्रगति कर रही है। ये समाज सेवा के क्षेत्र में, खासकर अपने समाज जो कुशवाहा मौर्य माली सैनी हर राज्य में अलग अलग रूप में जाने जाते हैं, उनको एक धारा में लाने के लिए, एक मुख्य धारा में एक साथ जोड़ने के लिए ये संस्था बनाई गई है। और अपने समाज के लोगों की प्रगति, जो हमारा समाज एक पिछड़े समाज से आता है, एक ओबीसी समाज है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हम लोग पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, उन सब क्षेत्र में हम सबको आगे लाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर प्रोफेसर साहब आए थे, फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनकी बातों से बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिली, काफ़ी अच्छा सुझाव मिला। तो इस तरह के कार्यक्रम, जैसे सिन्हा जी ने बताया कि हम लोग कैंसर पेशेंट के लिए भी कुछ काम करते हैं, ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं जगह जगह जा करके, तो ये हमारा मकसद है कि समाज की सेवा करना, समाज के लोगों को ऊपर उठाना, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जो भी स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, गाँव से जो लोग आते हैं स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर मुंबई में, उनको आर्थिक मदद देना, मानसिक मदद देना, हर तरह का जो भी हेल्प होता है वो हम लोग करते हैं। युवाओं के लिए हम लोग रोजगार के लिए एक कोचिंग क्लास के कुछ टाइप किए हम लोगों ने, शिक्षा देते हैं और रियायती दर पे उन लोगों को अच्छी कोचिंग मिल सके, एक ये कार्यक्रम है। दूसरा, हम लोग अपने जो सिविल सर्विस के क्षेत्र में जो भी लोग हैं, हम लोग अपने से कोशिश करके सोचते हैं जो युवाओं को कुछ नौकरी मिल रहा है सर, तो वो कोशिश कर रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, वही बोल रहे हैं हम लोग फ्री कोचिंग की और अपने सजेस्ट, जो हम लोग सफल लोग हैं, जो भी समाज के सफल लोग हैं, यूथ को एक गाइडेंस दें और एक सही मार्गदर्शन और सही दिशा निर्देश दें कि सही डायरेक्शन में वो जाए, उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। सम्राट अशोक भारत के एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिनके समय में भारत सबसे विस्तृत था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो उन्होंने बताया था वर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक और कश्मीर से लेकर मैसूर तक, इतना बड़ा साम्राज्य था। उसमें आज का नेपाल, भूटान,
श्रीलंका सब उस समय इंक्लूड था। तो उस अब अगर सम्राट अशोक के कर्म पे जाएंगे, उनका कर्म देखिए, आचार देखिए, व्यवहार देखिए, उनका कर्तव्य देखिए, उनके अंदर जो संस्कार थे, हम चाहते हैं कि वो सब चीज़ आज हमारे अपने युवाओं के अंदर डालने की कोशिश करें या उनको समझाने की कोशिश करें। जो खुद के लिए जीता है उसका तो केवल मरण होता है, लेकिन दूसरे के लिए जो जीता है उसको स्मरण होता है उसका। तो आज हम वो सम्राट अशोक दूसरे के लिए जिए, पूरी जिंदगी धर्म के प्रचार के लिए, अहिंसा के प्रचार के लिए, सत्कर्मों के लिए प्रचार में लगे रहे, तो वो दूसरे के लिए जिए, इसलिए आज उनको स्मरण करते हैं। आज के युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि उनके जीवन से ये प्रेरणा लें कि दूसरे के लिए जिए, ताकि आपका भी लोग स्मरण करें आगे जा कर। ये एक प्रेरणा देना चाहते हैं। फाउंडेशन का हम लोग क्या है, बाहर के रहने वाले हैं और मुंबई में, मुंबई जैसे अति व्यस्त शहर में नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करता है, तो हम एक दूसरे को जानेंगे कैसे? हमारा समाज जो है पिछड़ा है और यहाँ आने के बाद लगता था कि हमारा समाज, हम अकेले पड़े हैं। तो हमने कहा, मैंने कोशिश किया, हमारे समाज के युवाओं ने कोशिश किया कि हम एक समाज खड़ा करें, बनाएं, ताकि हम आपस में मिलें, हम कितने हैं, उससे फ़ायदा है ये होगा कि हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हमारे यहाँ कोई घर के तो है नहीं, हम एक दूसरे को मिले। हम सब नौकरी वाले हैं, सुबह में चले जाते हैं ऑफिस में, घर में बीवी बच्चे अकेले हैं, कोई बीमार हो गया, कौन करेगा? तो इसे संगठन से फ़ायदा होता है कि एक दूसरे को हेल्प होती है। और हमारे समाज पिछड़ा जो समाज है, हम सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हम अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं और हम सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मार्गों पर चलते हैं, ताकि उन्होंने हम आज नहीं, उस समय बहुत पहले, हजारों साल पहले उन्होंने बहुत बड़ा विश्वविद्यालयों का स्थापना किया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों का स्थापना किया था। जो आज हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो कुछ लगता है कि भटक गए हैं, हमको सम्राट अशोक के रास्ते पर चलना होगा और हमारे तभी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ये विकास होगा और हम देश का और समाज का कल्याण करेंगे। हमारा संगठन जो है गरीब बच्चों का, कैंसर पीड़ितों का, अगर मुंबई में किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो हमारी संगठन ब्लड देती है और ब्लड की व्यवस्था कराती है। मैंने अगर कोई गरीब आदमी है, अगर वो नहीं पढ़ सकता, शिक्षा की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ कि वो लड़का गरीब है, तो संगठन के द्वारा उसको हेल्प करते हैं, या तो आर्थिक हेल्प करते हैं और या तो कोचिंग क्लासेस में एडमिशन कराते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, अच्छा किताब मुहैया कराते हैं, रहने की व्यवस्था कराते हैं। जैसे कोई बीमार आदमी, कैंसर पेशेंट आ गया, आए दिन आते रहते हैं, जैसे कोई एमपी यूपी या लोकल भी आदमी हैं, अगर वो बीमार है, अगर वो आ गया कि उसको मेडिकल की सुविधा चाहिए, हमारे संगठन के पास हम जितना हो सकता है संगठन हेल्प करता है। मुंबई के किसी भी कोने में अगर किसी आदमी बीमार है, उसको मेडिकल ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, किसी भी ग्रुप पर, हमारा संगठन उसको खून की व्यवस्था करके दे। संगठन में ये जो हमारा बुक है और हमारे जितने संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आप किसी भी संगठन के थ्रू अगर आप आएँ तो आपको सुविधा मिलेगी और जो हम हेल्प कर सकते हैं संगठन करें। हमारे संगठन के यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, उनका अगर बच्चा नहीं ठहर रहा हो, इनफर्टिलिटी का हो, उसमें मैं मदद करती हूँ। और जितने भी हायर हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हमसे एसोसिएटेड है, वहाँ भेजने में मदद करती हूँ उनको, दवा में और उनके ऑपरेशन में। बाहर से भी कंसल्टेंट, अगर डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है तो बुला के करती हूँ। इस तरह से मरीज़ को हम लोग हर तरह की सुविधा, जो हेड क्वार्टर लेवल पे होता है, ग्रेड फोर मतलब फोर, उस तरह की सुविधा हम लोग देते हैं। स्पेशलाइज सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए है, जिनको बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, या जिनके बच्चेदानी में, यूट्रस में, गर्भाशय में किसी तरह का ट्यूमर हो या कोई बीमारी हो, उसके लिए है। कैंसर स्क्रीनिंग है, ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग है, और भी जितने ओवरी ट्यूब्स, जितने ये हैं, उनका अगर कैंसर हो रहा है तो उसका स्क्रीनिंग करना, ताकि प्रिवेंटिव मेजर लिया जाए, उनको कैंसर नहीं हो। और अगर कैंसर हो गया है तो हमारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से टाई अप है, हम लोग वहाँ भेजते हैं,
और हमारे हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी की सुविधा है वहाँ भेजते हैं, जसलोक हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी की सुविधा है वहाँ भेजते हैं, इस तरह से हम लोग मदद करते हैं। आज के प्रोग्राम के माध्यम से हमने बच्चों को, खास करके जो खेलकूद के माध्यम से या एथलेटिक्स के माध्यम से या एजुकेशन में जो अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ताकि आगे जा करके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें। ये मतलब कि खेलकूद से बच्चों को, खास करके लड़कियों के लिए, कि जो लड़के में हेजिटेशन करती है, उनको मंच पर चढ़ने में दिक्कत होती है, दो लाइन बोल नहीं सकती है समाज के बीच में या पब्लिक के सामने, उनको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आप आओ, माइक संभालो और कुछ बोलो, जनता को कुछ संदेश दो। ये हमारा मतलब मेन मकसद है बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए खास करके। सब्सक्राइब कीजिए आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज़ अपडेट